दो दिन से मित्रों एनआरसी पर एक बहस देश में छिड़ी हुई है। मैंने सारे नेताओं के बयान पढ़े हैं, सारे अखबारों के टाइटल भी मैंने देखे हैं। चर्चा ये है कि 40 लाख भारतीय नागरिकों को अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि वास्तविकता अलग है। एनआरसी के अंदर से जो नामों को हटाया गया है वो नाम भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसी प्राथमिक जांच करने के बाद हटाया गया है। तो जो नाम हटे हैं वो घुसपैठियां हैं और इस पर अभी ऑब्जेक्शन लेकर इनकी सुनवाई होना बाकी है। तो इसलिए दो तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। एक तो 40 लाख का आंकड़ा कोई अंतिम आंकड़ा नहीं है, इस पर जिनके नाम कटे वो ऑब्जेक्शन देंगे, इस पर सुनवाई होगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करे प्रोसीजर से इसकी संपूर्ण जांच होगी। उसके बाद में ही तय होगा कि वो नाम कटेंगे या नहीं कटेंगे, क्योंकि ये प्राथमिक लिस्ट है। दूसरा, भारतीय नागरिकों के नाम कटे गए हैं, ये भी देश की जनता को गुमराह करने वाली बात है। कोई भारतीय नागरिक का नाम कटा नहीं गया है। जो अपने भारतीय होने का प्रूफ नहीं दे पाए हैं, जो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं, उनके ही नाम को लिस्ट से अलग किया गया है। जहां तक सदन की चर्चा का सवाल है, मैं सारे लोगों को सुन रहा था, एक 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 कर सब पार्टियों ने अपने मत रखे, मगर आश्चर्य की बात है भी पार्टी ने स्पष्टता नहीं की कि अंतिम लिस्ट नहीं है, ये प्राथमिक सूची है। इस पर अभी ऑब्जेक्शन लेना भी बाकी है, इस पर संशोधन भी बाकी है, इस पर उनकी सुनवाई भी बाकी है। दूसरी बात, किसी ने ये नहीं कहा कि एनआरसी कहां से आया है। कांग्रेस पार्टी, उनके साथी दल, विशेष करकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सब ने जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसी के साथ भेदभाव कर रही है, किसी को अन्याय कर रही है, इस प्रकार का एक चित्र, एक छवि खड़ी करने का प्रयास किया।